जब मेरा निकाह होने वाला था, अब हम भी गैरों को तो छोड़ दो, जो मुसलमानों को देखते थे हल्दी डांस नगाड़े ढोल ले ये, तो मेरा भी ऐसा था हल्दी होगी मेरी भी येलो येलो सब पहनेंगे ये सब। ये इंस्टाग्राम देखिए आधा दिमाग तो इंस्टाग्राम ने खराब कर दिया, ठीक है, तो मैं अब ये सब देखती ही नहीं हूँ। तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ढोल रखेंगे बारात रास्ते पे, ले लड़कियां नाचते नाचते जा रही है बारात लेके अपने भाई की, और ये सब मुझे नॉर्मल लगता था। मुझे बाद में लगा क्या बेहूदगी है ये सारी चीजें। तो जब मेरा मैं जब चीजें तब्दील होने लगी, आई स्टिल रिमेम्बर मेरे घर में मेरे दोस्त, जब कोरोना था ना तो हम सब एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते थे, मैंने कहा यही सही मौका किसी से भी नहीं मिलने का और इसको कंटिन्यू करने का ये लेगेसी को। तो जब रमजान आया ना तो कुछ लोग मुझे फोन करते थे, तो पहले तो एक दो शर्मा हुजूरी में मैं एक दो बार फोन उठा लेती थी, बात करती हूँ करती हूँ, फिर मेरा दिमाग खराब होने लगे, मैंने कहा यार ये इसको तो खुद को कुछ है नहीं है, मेरी भी लाइफ में मुझे ठीक होने नहीं देंगे। अब ये लोग फोन करे टाइम पास करने के लिए, सिर्फ मतलब घर में ना सब फिजूल बैठे। मैंने कहा देखो ये सब गैर महरमों से फोन पे बात करना गुनाह है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है और इससे मेरा वक्त भी जाया होता है। ये बहुत हार्श हो गया, थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए था। मैंने कहा ये लोग नहीं समझेंगे, इनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उस इंसान ने मुझे तब से लेके आज तक कभी फोन नहीं किया। और ये चीज ये एक पहला इंसिडेंट हुआ, इससे ना एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस मिला। अब मेरे जो दोस्त थे, मैंने कहा मुझे किसी को बोलना ही नहीं है कि मैं सब छोड़ रही हूँ, किसी को नहीं बोलना। मैंने कहा ये शैतान ना किसी भी जरिए आ जाएगा, मैंने मेरी अम्मी को भी नहीं बताया, मैंने कहा इनके भी जरिए आ सकता है, बताना ही नहीं है, अपने अंदर ही रखना है कि मैं बदल रही हूँ और ये मैं सीधा अनाउंस करूंगी, बस ये किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ अनस से शेयर करती थी मैं। तो जब हम लोग शुरू हुई ना तो मेरे दोस्त लोग अरे आ जाओ मिलते हैं, कितना टाइम हो गया अभी सब आ रहे हैं ये वो, मैंने कहा ये तो पीछे ही पड़ गए अब। तो मेरी एक्चुअली मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेती हूँ, तो एटलीस्ट दो तीन महीने ये लोग ये गाना नहीं गाएंगे मिलने का, यू नो, फिर मैं खींच लूंगी आगे थोड़ा। और शुरुआत में मैं यही चीज खींचती थी, मेरे घर में मेरी बुजुर्ग अम्मी है, मैं कोरोना बाहर मैं नहीं जाऊंगी, घर में मेरी अम्मी को कुछ होगी, जबकि दुनिया थोड़ी चलने भी लगी, तो मुझे ये बहाना एप्ट लगता था किसी को भी नहीं मिलने का, यू नो, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं अपने लाइफ में चेंजेस ला रही हूँ ना, टीवी बंद करने से थोड़ी ना कुछ होगा, बाकी चीजें भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे दोस्तों उसको मिलने गई, तो मेरा एक दोस्त था उसे बोला और ऐसे करके हाथ, तो मैं ऐसे हो गई, बोले ओ करोना करोना, मैंने कहा हाँ करोना करोना। मेरे को बताना ही नहीं है कि तो आज के बाद तुम तो उसको उंगली भी नहीं लगा पाएगा। तो होता है ना जब आप ज्यादा लिबरल हो जाते हो, ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना, तो थोड़े जाहिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब मैं नई नई कॉलेज जाती थी ना, तभी मैं बहुत 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 ही सीधी थी स्कूल में, मतलब जींस नहीं पहनती थी और मेरे बाल खुले नहीं होते थे, शलवार का दुपट्टा नहीं होता था सर पे, लेकिन इतनी मॉडेस्टी थी मेरे अंदर। फिर जब मैं कॉलेज गई ना, तो मैं साल में एक बार जींस पहनती थी मेरे बर्थडे के दिन, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन मैं पहनती थी। फिर जब मैं देखूं कि लड़का लड़की हाथ मिला रहे एक दूसरे से कॉलेज में, और सबसे अमेजिंग तो मुझे लगता था गले मिल रहे ना, लेना ना देना, भाई ओ बाय इतने गले मिले, इतने जान बाय बोले, एक बाय में 10 बार गले मिल चुके, बाय खत्म नहीं हो रहा इनका। तो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगे ये, मैंने कहा कैसे यार ये लड़का लड़की कैसे गले मिल लेते, क्योंकि मैं अभी भी ना थोड़े नैरो नहीं करेक्ट माइंडसेट में थी, ये अपने आप को नैरो सोच के मैं बिगड़ गई। मैं बोली कैसे कर लेते ना, कैसे ऊपर रोड पे खड़े होके, कॉलेज के बाहर गेट पे खड़े होके गले मिलते ना सब, ओ बाय सी यू टुमारो, मुझे ऐसा लगता था यार कैसे मिल लेते ना गले रोड पे खड़े होके, पहचान नहीं। फिर मुझे लगा यार मैं कितनी अजीब लगूंगी ना अगर मैंने ये नहीं किया, तो मुझे ट्रेंड फॉलो करना है, यहीं से चीजें खराब होती है एक्चुअली। तो मैंने भी पहली बार जब किसी ने मुझे बाय बोल के गले, मैंने कहा हाँ सब मिलते, तो यू नो यही प्रॉब्लम है कि जब हम कोई जगह जाते हैं ना, तो लोगों को अपने जैसे नहीं बनाते, हम उनके जैसे बन जाते हैं। और आप अगर किसी अच्छे को देख रहे हो तो बेशक उनके जैसे बन जाओ, लेकिन मैं अपनी अच्छी छोड़ के मैं उनके जैसे क्यों कार्टून बन रही हूँ। तो मेरा ये जो कार्टून बनने का जो स्टेप था, ये यहाँ से मेरे कॉलेज से शुरू हुआ, वो था गले मिलने से गैर महरमों को, जो मुझे लगता था कि इसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि मेरी नियत तो इसके लिए अच्छी है ना, और इसके लिए हम तो काम वाले, कभी कभी हम मिलते हैं, कोई कोई तो वापस मिलता भी नहीं है, यू नो काम के, इसमें तो ये इंग्लिश कल्चर है मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना। तो
मुझे ये लगता था ये नॉर्मल है क्योंकि हमको वैसे ही पढ़ाया जाता था ना, इंग्लिश स्कूल में जाते हो, कॉन्वेंट में जाते हो, ये चीज नॉर्मल लगती है। यहाँ से शुरू हुआ, अब मुझे लगे कि ये ऐसी, तो आहिस्ते 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 लाइफ में तब्दीली आने लगी, आप मॉडर्न बनने लगे, फिर ऑब्वियसली दुपट्टा हटते गया, फिर वो एक दिन गायब हो गया, सलवार कमीज होती थी तो भी दुपट्टा नहीं होता था क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते थे, पहले हमको लगता था कि सलवार कमीज में दुपट्टा तो होगा ही, भले वो इधर लटका हो इधर अटका हो पर होगा। फिर जब हम ज्यादा लोगों से मिलने लगे और ज्यादा लिबरल हो गए तो हमने देखा यार लोग तो सलवार कुर्ता पहन के आते हैं कॉलेज लेकिन दुपट्टा नहीं ओढ़ते, हम क्यों ओढ़े? तो तभी नहीं हुआ, थोड़ा बाद में, बट ऐसा लगा कि सलवार कमीज बिना दुपट्टे के भी एट टाइम्स अच्छा लगता है, ये दिमाग में सेट हो गया क्योंकि हमने वो माहौल अपने आप को, उस माहौल को अपने अंदर उतार लिया। तो इस तरीके से जब चीजें चलती गई तो चीजें बदलती गई। अब जब ये जो मेरे दोस्त थे ये लोग, ईद में मेरे घर पे मेरे एक दोस्त आए, सबसे पहले हमेशा मेरे घर के सबसे नजदीक होते तो वो मिलने आते थे क्योंकि इतने कोई मेरे बिल्डिंग में कोई है नहीं मुसलमान, अभी दो है पर इतनी बातें नहीं होती थी, अब थोड़ी मैं ज्यादा फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो जब उनसे जब मुलाकात हुई ना वहां पे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब इनसे फासला रखना ज्यादा जरूरी। तो उन्होंने मुझे आके बोला ईद मुबारक, मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहा ईद मुबारक, तो वो सब, मैंने कहा नहीं यार हाथ लगा के बात नहीं करना चाहिए, आप दोस्ती अलग चीज में बात नहीं करो हाथ लगाकर। एंड आई थिंक तब से वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ। फिर आया तीसरा मेरा बर्थडे, उसमें मेरे मुश्किल से तीन से चार मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स थे तो मुझे इन तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था और इनको तो पता ही चल जाता। तो जब ये लोग आए मैंने कहा यार अब ये केक भी काटना पड़ेगा फिजूल में मुझे, तो मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूं, मैंने कहा चलो कर लो ये आखिरी है, इसके बाद तो अगले साल से मैं दिखना भी नहीं हूं तुम्हें। तो ये लोग केक लाए, अब मेरे घर में एक स्पीकर होता था जहाँ पे वो घिसा पिटा तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू ये चलता था। तो मेरे दोस्त ने जैसे वो स्पीकर लगाया मैंने इतने जोर से चिल्लाया कि उसे डर के उसका फोन गिर गया। मैंने कहा ये नहीं करना, बिल्कुल म्यूजिक नहीं लगाना, और मैं पूरा दुपट्टा उपट्टा लेके बाहर आई थी। फिर बोलो मेरे बाजू में खड़े हुए वो बोले हैप्पी बर्थडे गा सकते, मेरे ताली बजा सकते। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज यू नो मैं उनको इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं दिखाना चाहती थी। आई वाज लाइक यू नो इवेंचुअली दिस ईयर बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, वो लंबा गैप है अभी अगले बर्थडे के लिए तो देख लेंगे। तो इस तरीके से जब चीजें चेंज हुई ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ। मुझे फिजूल में ऐसा लगा कि यार मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो जब ये चीजें चेंज होने लगी और जब मेरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा तो जो लोगों को लगता है कि अरे यार मैं कितनी ऑर्थोडॉक्स लगूंगी, मैं कितनी पिछड़ी गांव के जमाने की लगूंगी, इनफैक्ट मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। लोग अब जब मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो वो पहले ही दूर से ऐसे करते हैं और अनस से गले मिलते हैं, तो मुझे आज वो देखकर खुशी होती है कि लुक एट द जर्नी फ्रॉम नथिंग टू सो मच टू अगेन बैक टू समथिंग व्हिच इज सो बेसिक फॉर इस्लाम। सो ये चीज मैंने सीखा। एंड ऑब्वियसली आई थिंक आज का जो मजमा है इट हैज लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन, बी इट लॉयर्स डॉक्टर्स टीचर्स। एंड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रोफेशन कोई भी हो कितना भी बिजी हो आप नमाज प्लीज पढ़े और उसके लिए वक्त निकाले और उसके लिए ज्यादा वक्त करे, नमाज बिल्कुल ना छोड़े बिकॉज इवेंचुअली यही हमारी कामयाबी है। जो मेरा क्लिनिक मेरे क्लिनिक में जब मैं काम करती हूँ ना, मेरा जो मेरा खुद का क्लिनिक है मैं काम क्या करती हूँ ऑफकोर्स, तो जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना तो अजान होती है ना तो ऐसा लगता है अरे यार अभी शुरुआत की बात कर रही हूँ, नमाज पढ़ना है लेकिन एंड तक खींच के लेके जाना है कि पहले ये कर ले, पहले पैसे आ जाए, रोजी रोजी रोजी, हम सिर्फ रोजी रोजी दिमाग में चढ़ा है लेकिन बरकत ही नहीं होने वाली ना रोजी में, क्योंकि रोजी देने वाला तो आपको बुला रहा है आप जा ही नहीं रहे हो, कितना वक्त हो गया। और वो चक्कर में कभी कभी कजा हो जाती थी क्योंकि क्लाइंट वे फिजूल। फिर अल्लाह मियां ना जब आप ज्यादा लंबा करते हो ना तो अल्लाह देखना कहीं ना कहीं ना आपका वो नमाज कजा ही कर देते हैं तो वो कजा हो जाती है। तो जब वो कजा हो गई ना तो मुझे ऐसा लगता था, तो मेरी हर चीज ना रोटेट होती थी और बीच में घुस घुस के फटाफट नमाज पढ़ लेती थी। फिर जब मेरे अंदर चेंजेस आए ना तो मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत क्लियर कर दिया कि अब जो भी क्लाइंट है नमाज के टाइम पे अपॉइंटमेंट ही नहीं देना, और अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट बैठेगा, अगर अल्लाह ने रोजी लिखी है कि इसके जेब के पैसे मेरे घर आने हैं ये आएंगे रुकेगी कहीं नहीं जाएगी,
और अब मेरे ऑफिस में जो काम होता है ना, वो नमाज को देखकर प्लान होता है कि अगर 5:20 की अजान है तो 5:20 को हमको एक क्लाइंट, 5 से 5:30 का कोई क्लाइंट होता नहीं, अगर होता है तो पहले, और अगर अजान हो जाती है तो उसको बोलते 5 मिनट बैठो। मेरे जो क्लाइंट जो ऑफकोर्स जो लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है मुस्लिम घराने से ही है, ऑफकोर्स वो हिजाब सिर्फ घर से ऑफिस आने तक कर, बड़ा इनका भी अलग ही टाइप का हिजाब होता है जो किधर होता है और किधर नहीं होता है। घर से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, यहाँ से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, बीच में चौपाटी जुहू किधर हिजाब नहीं होता है। ठीक है, शादियों में हिजाब नहीं होता है, जिनके बाल आपको पूरे साल ढके हुए दिखेंगे शादियों में आप उनको बाल लहराते हुए आराम से देख लोगे। तो ये जब मैंने हिजाब लिया तो मुझे लगा ये क्या, ये तो हिजाब की मतलब गलत है ना, ये आप फेस नहीं ढाको एक समझ में। जब आपने हिजाब पहन लिया है तो आप ऑप्शनल कैसे हो सकते हो, आप बाल कैसे कभी भी खोल के आप घूम रहे हो, तो मुझे ना बहुत अजीब लगते थे। अब क्योंकि मैं इसमें इतनी नहीं थी तो ये लोग मेरे ऑफिस में काम करे और मैंने पैंट जिससे पैंट होता था और लॉन्ग शर्ट होता था, हिजाब नहीं पहना। हिजाब वाला कैसा होता है सामने से बोले कि मैं, और मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी पहले भी कि हिजाब पहनो नो प्रॉब्लम, नमाज पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ही नहीं पहनते थे, बल्कि ये लोग तो नमाज के लिए भी मेरे से टाइम नहीं मांगते थे। पर क्योंकि मैं पढ़ती थी ऑफिस में तो ये लोग भी पढ़ते थे। अब तो मेरी जो दोनों लड़कियां, मैंने क्योंकि वो पहनते ही है तो ऑफकोर्स स्काफ कंपल्सरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लड़कियां मेरी लॉन्ग ड्रेस पहनती है, उसके अंदर देखना होता है कि ये नहीं स्काफ पहनते। आप आए थे तो आपने देखा था, नमाज हो जाए अगर दोनों में से कोई भी लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती है तो उनकी बैंड बजा देती हूँ मैं, तो उनको मतलब उनको ऐसा देखो कोई काम करते उनको लगता है क्लाइंट ना चले जाए, तो मैं अपनी लड़कियों को बोलती क्लाइंट चले जाएगा कोई फर्क नहीं है, नमाज आप पढ़ो क्योंकि आपके नमाज से भी तो बरकत आनी है ना। तो लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं, और जब आप, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कभी कभी नमाज के लिए लेट हो जाते हैं, मैं कहती हूँ यार तुमको खुश नसीब हो तुम लोग के ऐसी जगह काम कर रहे हो जो तुम्हारी आखिरत के लिए सोच रहा है, क्योंकि लोग क्लाइंट आ जाए पैसा आ जाए तो थोड़ा बोलेगा भाई क्लाइंट को छोड़ दे तू नमाज पढ़ तू बाद में भी पढ़ ले, क्योंकि हमारी तो मेंटालिटी है ना हम कजा भी पढ़ सकते हैं, पढ़े तो सही नमाज तो पढ़ना ही है, लेट भी पढ़ ले पढ़े तो सही। तो ये मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये लोग यंग जनरेशन है जो आज मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आज उनके ही पेरेंट्स कहते हैं कि बिकॉज ये सना के साथ है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं क्योंकि ये सना के साथ है ये पहले से बेटर हो गई है, नमाज की पाबंद हो गई है, अब ये खुद घर में ये बच्चियां घर में अपनी बहनों को नमाज का पाबंद करती है, जो थोड़े से यहाँ वहाँ अजीब अजीब रिवायतें भी जो लोग करते थे वो भी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी फील्ड में हो सबसे पहले नमाज को अपना इम्पोर्टेंस दे, और ऑफ कोर्स अपने अखलाक को इम्पोर्टेंस दे, और हम जो है ना एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें देखकर इस्लाम क्या है लोग हमें देखते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके उसे उतना खूबसूरत तरीके से बताएं, ताकि जो लोग न्यूज में जो भी सुनते हैं उन्हें ये ना लगे कि ये इस्लाम है, क्योंकि वो तो इस्लाम है ही नहीं। हम जब खुद भी तो सुनते हैं हम कहते हैं ना ये थोड़ी ना, बट मानते ही नहीं है लोग, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम जैसे इतने बड़े मजमे को सही तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे करना होगा ताकि लोग समझे कि असल इस्लाम क्या है। और बस हम कोशिश करें कि आज जो ये मजमा जमा हुआ है बेशक अल्लाह की रजा के लिए हुआ है, बस हम अल्लाह से दुआ करें कि जो भी बातें हुई है हमारे अंदर बैठ जाए, और मैं एनी विच वेज मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं जो सीख रही हूँ वो आपसे फॉरवर्ड आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना, और बस अल्लाह बस हमें दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी दे और हमारे दिलों में ऐसे ही मोहब्बत बाकी रखे, और हम सब से हमारे आने वाली नस्लों से भी कयामत तक की जो हमारी नस्लें लेगी रहेगी उनसे दीन का काम करे, बस हमको यही दुआ करना चाहिए। बस अल्लाह हमारे आगे जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी दीन की दावत में लगाए और दुनिया भी दे, तो बस हम कोशिश करें कि हम जितने अच्छा हो सके अच्छा बने, खुद के लिए भी खैर हो दूसरों के लिए भी खैर हो, और हम जहाँ काम करते हैं काम को इबादत समझ के करें, अमानत में खयानत ना करें, खुश रहे और लोगों के लिए खैर बने। बस अस्सलाम वालेकुम।